सिरमौर जिला के उपमंडल कफोटा में बैंक द्वारा जहां लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाती है, वहीं इसी बीच अगर SBI बैंक की बात की जाए तो कफोटा SBI बैंक की ATM मशीन खराब होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कफोटा का जो ATM पिछले 7-8 महीनों से बंद पड़ा है, इसके वजह से आसपास की सभी पंचायतें, लगभग 22-23 पंचायतों के बहुत से लोग परेशान हैं। इसके लिए आज SBI के ब्रांच मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया व्यापार मंडल के नेतृत्व में, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा। 15 दिनों का टाइम मांगा है बैंक ने, अगर 15 दिनों के अंदर फिर से भी बैंक यही समस्या रही तो व्यापार मंडल और क्षेत्रीय विकास समिति को मजबूरन बैंक का घेराव करना पड़ेगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि SBI कफोटा जल्द से जल्द ATM को सुचारू रूप से कार्यान्वित करेंगे। देखिए, कफोटा में जो SBI बैंक का जो ATM लगा है, ये पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। इसका कारण अभी जो SBI ब्रांच के जो मैनेजर है, इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि जो मशीन जो है पिछले 8 महीने पहले किसी कारण रुक गई है, तो मशीन रिपेयर नहीं हो पा रही है, नई मशीन आनी है। तो उसके लिए हमने अभी इनके जो सोलन में जो क्षेत्रीय RM इनके बैठते हैं उनसे भी बात हुई, तो 15 दिन का समय इन्होंने मांगा है कि 15 दिन के अंदर मशीन लग जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर नई मशीन लगती है तो फिर से हम इसकी कंप्लेंट करेंगे आगे। सिरमौर से कैमरामैन युगमार्ग TV।